दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस यूट्यूब चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। 21 अगस्त सावन सोमवार, जीरे के 5 दाने चुपचाप यहां फेंक दे, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बन जाओगे। साथ ही भगवान शिव करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा, बस चुपचाप फेंक देना यहां पर 5 जीरे के दाने, रातों रात हो जाओगे आप करोड़पति। शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार और मंगलवार पर व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता कि भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। ज्योतिषियों की माने तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं उन्हें करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप भी मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर यह विशेष उपाय अवश्य कर लें। आइए इस उपाय को जानते हैं। दोस्तों शायद ये बात आपको न पता हो कि आपके घर के अंदर रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चली आ रही समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा और काली मिर्च, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये बात आपको नहीं पता होगी कि जीरे और का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत ही तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के और काले मिर्च के कई ऐसे अद्भुत उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में चली आ रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों मात्र रुपए भर का जीरा घर में मिल जाएगा, हर घर में मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाता है, साथ ही अगर इसका सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको माता लक्ष्मी जी इस प्रकार से वरदान माता लक्ष्मी जी का प्राप्त हो सकता है, जिससे न केवल आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएगी बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय अगर सही तरीके से आप कर लें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में आ रही लगातार अड़चने जो होती है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, संकटों से, कष्टों से, शत्रुओं से घिरे हुए हैं। आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और अगर आता है तो टिकता नहीं है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं परंतु कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा। सिर्फ आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखेगा क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो बड़े आराम से मिल जाती है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान से यानी रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग कहा गया है। कहा तो यहाँ तक गया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो सिर्फ जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय भगवान शिव के सामने सही दिन पर अगर सही मुहूर्त पर कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात कालों के काल महाकाल का वो वरदान वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होती, शत्रुओं से भी परेशानी नहीं होती। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा।
आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, तो दोस्तों वो हम आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों ये बात शायद आपको पता नहीं हो कि जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता, उसकी उतनी परेशानियां आ जाती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर उन व्यक्तियों में से जिसने कर्जा ले रखा है तो आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधित परेशानियाँ, कर्ज से संबंधित परेशानियाँ वो आराम से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 सोमवार से ये उपाय करना होगा। आप सोमवार के ही दिन, क्यों तो जो सोमवार का दिन होता है वह भगवान शिव को समर्पित होता है और महा विशेष होता है। सोमवार के दिन शिव जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए, ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपकी शिव जी की वो कृपा प्राप्त होगी आपके ऊपर जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको ये उपाय करना है, 5 सप्ताह मतलब 5 सोमवार, और जब तक कि ये उपाय करें तब तक आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज मदिरा गुटखा वगैरह का सेवन, अंडे वगैरह का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब आप पहले सोमवार के दिन सुबह उठें, नहा कर धो लें, स्वच्छ हो जाएं, हरे कपड़े पहन लें, हरे रंग का। शिव जी की पूजा में हरे रंग का कपड़ा बहुत ही प्रिय होता है, हरे रंग जरूर पहनना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपको 1 मुट्ठी जीरा रखना है, 1 मुट्ठी जीरे के अंदर 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आप मौली धागे से बांध करके एक पोटली बना लें और फिर शिव जी के मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर के बाहर जो है भिक्षुक बैठा हो तो ये पोटली उसको आप 21 बार जय भोले बोलते हुए दान कर दें। इतना उपाय आपको 5 सप्ताह यानी 5 सोमवार कर लीजिए, भगवान शिव जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जिस कर्ज के बोझ से आप दबे हुए हैं या दबे आ रहे हैं उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। सोमवार के दिन आप एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, सफ़ेद कपड़े में आप 1 मुट्ठी आप यानी कि जीरा आप रख दीजिए और इसमें आप काली मिर्च भी रख दीजिए थोड़ी सी, कम से कम 11-21 दाने, और 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए और इसे पोटली बनाकर शिव जी के आप पास रख दीजिए। पूजा पाठ करने के बाद एक दीपक जलाइए, इस दीपक से आप 11 बार उल्टे बार के इस पोटली को और अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आपके घर में पैसे आने के स्रोत खुल जाएंगे, यूँ समझे कि माता लक्ष्मी जी ही आपके घर में वास करने लगी हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में धन की बरसात चाहिए, अगर आपको लगता है जैसे आपके घर में धन आना शुरू हो जाए तो जाने का नाम ही ना ले, माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बरसे और करोड़ों ही बल्कि आप अरबों के मालिक बन जाएं, तो फिर आप क्या करें कि सोमवार के दिन आप क्या करें, 5 जीरे ले लें, 5 जीरे ले लें और आप 5 जीरे के साथ साथ 5 काली मिर्च ले लें और 1 रुपये का सिक्का ले लें और इसे आप ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार, फिर 5 जीरे को आप अपने दाहिने हाथ में ले लें, 5 काली मिर्च और 1 रुपये का सिक्का ले लें और इसे ले आकर आप अपने गुप्त रूप से धन के स्थान पर रख दें, किसी को बताए ना, किसी को बोले ना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी बच्चे किसी को ना बोले। दोस्तों रख दीजिए, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों अगर आपके घर में शत्रुओं से परेशानी, किसी तरह से कोई परेशानी या फिर आपको लगता है जैसे किसी ने तंत्र मंत्र की बाधा करा दिया है तो आपको 5 सोमवार ये उपाय करना है। आपके घर में कभी किसी की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करेगी, किसी का किया कराया भी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, 5 जीरे के दाने और 5 काली मिर्च लेना है और आपको किसी चौराहे पर चले जाना है और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए, शत्रुओं का नाम बोलते हुए 4 जीरे और 4 काले मिर्च आपको 4 दिशाओं में आपको फेंक देना है और 5वां जो जीरा है और 5वां काली मिर्च इसको आप ऊपर आसमान की तरफ फेंक दें और फिर पीछे मुड़कर मत देखें, सीधे चले आइए। आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी।
या फिर आप एक छोटा सा उपाय और कर लें। आपको जैसे लगता है बहुत ज़्यादा किसी ने परेशान कर दिया है, कोई ना कोई तंत्र मंत्र की बाधा कराता है, तो थोड़े से आप यानी कि क्या करें, जीरा ले लें। जीरे को आप थोड़ी सी काली मिर्च ले लें और आप एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, और फिर जब बच जाए इसमें काली मिर्च और यानी कि जीरा, तो इस जीरे को आप अपने घर के बाहर यानी कि घर के बाहर बाईं तरफ फेंक दें, चुपचाप फेंक दें, किसी को बताए ना। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में बरकत तो होगी, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों जीरे का यह महा उपाय आपको करोड़पति बना सकता है, बस इसे आप करके देखिएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।